दोस्तों, बैक टू बैक माई चैनल मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका लोगन फैमिली ब्लॉग में। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए बाबू क्या कर रहे, क्या कर रहे बाबू, क्या कर रहे हो? देखिए बाबू के कौन लेके आया है, बाबू के लिए क्या है इसमें, क्या बेटू? लाल से कर रहा है और पुच्ची भी कर रहा है, देखो हाथ में पुच्ची कर रहा है बाबू। देखिए बाबू के पापा बाबू के लिए काजू लेके आए हैं ना, दिखा दे दोस्तों को, दिखा रहे ना बाबू क्या लेके आए हैं पापा जी बाबू के लिए। ये देखिए बाबू के पापा बाबू के लिए काजू लेके आए हैं, और इसे ही खोल रहा था बाबू, ये देखिए। और मेरे लिए लेके आए हैं कंघी, मेरे बालों में ना बहुत जुए हो गए हैं तो वो निकालने, इसीलिए मतलब बहुत जुए नहीं हुए अभी, इससे क्या कहते जन्मदिन पे आए थे ना मेरे पे, मेरे थी नहीं, और जब देखने मैं गांव जाती हूँ तो मैं डिंगर हूँ हो जाते हैं, तो अभी जन्मदिन में सब लोग आए थे तो किसी न किसी चूके तो तो उसी में से हो गए, तो खुजली हो रही थी काफी दिनों से। मम्मी ये किसका कंघा है? और काफी दिन हो गए जन्मदिन के बाद हुई है, इतने दिन से दो तीन महीने हो गए। हाँ ये किसका कंघा है? मम्मा की, मम्मा की तो मेरा है। हाँ और बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में, अभी देखिए खाने की भी तैयार, मतलब खाने की बाबू को बना के खिला दी हूँ, उसको दवाई भी खिला दी हूँ, क्योंकि उसको बाबू को ना सर्दी हो रही है, खांसी जुकाम बहुत, और इधर भी है इधर के। अच्छा इसमें कसूरी मेथी जो ख़त्म हो गई थी, ये सब्जी भी टेस्ट बढ़ाती है, इसलिए माँ धनिया ना हो तो सब्जी डाल दो आलू वाली की सब्जी में। इधर भी कुछ लेके आए, मुझे पता नहीं है मैं किचन में आई, इसमें देखिए मट्ठी है, सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ते के लिए लेके आए, क्योंकि मुझे नमकीन भी नहीं, नमकीन मुझे अच्छी नहीं लगती, मतलब खा लेते थोड़ी बहुत लेकिन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत एक आधे जो सूजी वाला रस आता है वो खा लेती हूँ, बाकी जो मैदा के आते हैं वो रस भी नहीं अच्छे लगते, तो मट्ठी वगैरह मैं खा लेती हूँ। तो एक दो खा लो ना तो पेट में वजन पड़ जाता है, 12-1 बजे चाहे कभी सा खाना खा लो। और इधर भी लेके आए हैं सब्जी, इधर आलू भी लेके आए, 1 किलो आलू मैं भी ले आई थी जब ही, तो देखिए इसमें इसमें मेथी लेके आए, देखिए जो के निकाल के रख दूंगी अभी, वरना पन्नी बेकार हो जाएगी, पिछली बार की बेकार हो गई थी, और इसी भी पन्नी में देखिए, इसमें देखिए धनिया है और छोटी वाली मिर्ची है, दे बड़ी वाली मिर्ची देखिए, तो एक वाली मिर्ची मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको बनाओ या छोको या सो इसमें आलू का मसाला बना लो तो भरे के बनाऊँगी इसका, यही बनाऊंगी। तो इसमें तो थोड़ा सा धनिया लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा मेथी लेके जा रही हूँ, तो दोनों को धो के काट के मसाले में मिलाऊंगी। चलिए दिखाती हूँ पहले आपको, ये देखिए इधर लगे हुए हैं काम पे दोनों लोग, मैं इधर और आलू उबाल के मसाला बना के रखी थी, तो धनिया थोड़े से थे, बता देख के समझ ही गए होंगे थोड़े से, तो बाबू के लिए बना के खिला दी मैं, उसमें मतलब मसाले में मिला के धनिया, तो ये भी धनिया लेके आया तो धनिया काट डाली हूँ, और थोड़ी सी मेथी लेके आया तो मेथी काट के डाली हूँ इसमें, और इधर दे मसाले लेके आए, मसाले सारे ख़त्म थे तो देखिए ये मसाले भर रहे हैं बराबर हेल्प करा रहे हैं, और इधर मैं सारा मिक्स कर देती हूँ, तो फिर बना लेती हूँ पराठे, क्योंकि आज बाजार चले गए थे उधर से ही, तो 10 बज गए, 10 बजे आए वैसे, वरना 9:30 बजे तक आ जाते हैं, 10 बज गए, अब खाना बनाएंगे खाएंगे, जब तक 11:30 तो बज ही जाएंगे ना इसलिए ना बाबू बिल्कुल खवा पे आके दवाई ववाई खिला के बिल्कुल रेडी कर दिया, बाबू ने मुझे पता था ये लेट आएंगे, इसीलिए तो बाबू लेटे लेटे टीवी देख रहे हैं, अगर नींद लगी तो सो जाएंगे, और हम बना के खा लें, तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए नीतू ने गर्मा गर्म दे दिए मेरे को पराठे बना के, मस्त वाले, कौन सा पराठा? ये मेथी वाली मिक्स बनाया आज इन्होंने, धनिया मेथी क्या क्या डाला, बहुत सारी चीजें डाली इसके अंदर, और धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर, खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट लगा इनका, तो चलिए खाने के बाद मिलता हूँ आपसे। खाना पीना खा लिया हम
और वो खा रही थी, बाबू ने वो छोड़ दिया था, क्या बोलते इसे, मखाने मखाने छोड़ दिए थे बाबू ने। देखिए इन्होंने टोकनी की ली, मशीने पर रख दिए, फिर मशीने खराब हो जाती है, फिर बोलते हैं पानी में छोड़ के किया। हाँ तो पानी तो बिना छोड़ रहा है, देखिए इतनी सारी मिर्ची लगी है, ये मिर्च खाने में बड़ा मजा आता है। हरी मतलब धो के रख दिए हैं, अभी सूख जाएंगी तब जाके उसमें रखेंगे फ्रिज में, सुबह तक सूख जाएंगी। सूख गई तो सूख जाए, वरना कप पेपर पर डाल के दूसरा पेपर ऊपर डाल दें तो पानी सूख जाएगा। तो बाबू सो चुके हैं तो हम भी सोते हैं। चलिए दोस्तों खाइए पिए, खुश रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण, नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।